नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री दैनिक पंचांग के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं 31 अक्टूबर सन 2022 सोमवार का पंचांग लेकर के। आज के तिथिवार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त क्या होंगे, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 31 अक्टूबर के सूर्य उदय समय की। तो आज सूर्य उदय का समय प्रातःकाल 6:35 रहेगा और सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:34 रहेगा। सभी शुभ अशुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। आज राहु काल का अशुभ समय शुरू होगा 7:54 प्रातःकाल से लेकर के 9:17 प्रातःकाल तक। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:42 मध्याह्न काल से लेकर के 12:28 मध्याह्न काल तक रहेगा। वहीं गुलिक काल का समय 1:27 दोपहर से लेकर के 2:50 दोपहर तक रहेगा। शुभ चौघड़िया की बात करें तो 6:32 प्रातःकाल से लेकर के 7:55 प्रातःकाल तक अमृत चौघड़िया रहेगी, यानी शुभ चौघड़िया रहेगी, और सायंकाल 4:14 से लेकर के 5:37 तक शुभ चौघड़िया रहेगी। ध्यान रखिएगा, राहु काल में किसी भी नए व शुभ कार्य को शुरू नहीं करना है, प्रारंभ नहीं करना है। अभिजीत मुहूर्त व गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं और चौघड़िया काल में विशेष आयोजन करने चाहिए। बात आज के पंचांग की करें तो आज कार्तिक माह की 14 प्रविष्टा है। हेमंत ऋतु, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। सप्तमी तिथि मध्यरात्रि 1:12 तक रहेगी और उसके उपरांत अष्टमी तिथि होगी। आज का वार सोमवार है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन भर व्याप्त रहेगा। धृति योग सायंकाल 4:11 तक रहेगा, उसके उपरांत सूर्य योग होगा, जबकि गर्करण दोपहर 2:19 तक रहेगा और उसके उपरांत वणिज करण होगा। बात आज के दिशा शूल की करें तो आज पूर्व दिशा में आपको यात्रा करने से जरूर बचना चाहिए। यदि आप नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से दर्पण में अपने आप को देख करके ही यात्रा शुरू करें। जब भी आप घर से बाहर निकले यात्रा के लिए, उस समय देखिएगा जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, यानी गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन जरूर करिएगा। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित तमाम छोटी मोटी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।